इन थर्मामीटर्स को देखें। पहली नजर में ये सिमिलर लगते हैं, राइट? एक दूसरे से बड़ा है। उन्हें पास से देखते हैं। आह, यस, ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। लेकिन इसका क्या? इसमें और भी मार्किंग्स हैं। देख के लगता है बड़ा थर्मामीटर हायर टेम्परेचर्स मेजर कर सकता है, राइट? उसे ट्राई करते हैं। बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को इन दोनों थर्मामीटर से मेजर करते हैं। ओह, ये क्या हुआ? क्लिनिकल थर्मामीटर डैमेज क्यों हुआ? क्लियरली बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए बहुत ज्यादा है। उसके मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को देखें। ये 34 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस जाता है। और आपको ऑलरेडी पता है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर अपने मैक्सिमम लिमिट से हायर टेम्परेचर विदस्टैंड नहीं कर पाया। इसे घर पर ट्राई मत करना। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। हम उस पर रीडिंग देख सकते हैं। थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने एक चीज सीखा है, वो है क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ हमारा बॉडी टेम्परेचर या 34 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर मेजर करता है। और अगर हम हमारे बॉडी के अलावा किसी और चीज का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करना होगा। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर का कोई लिमिट होगा, राइट? यस, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स की टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। जो हमें एक क्वेश्चन की तरफ लाता है, वो है, क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? हमारा बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज में है। लॉजिकली हम मेजर कर सकते हैं, राइट? अब जानते हैं ये हमारा फ्रेंड लेबोरेटरी थर्मामीटर की मदद से बॉडी टेम्परेचर मेजर कर पाता है या नहीं। उप्स, रीडिंग नीचे चली गई है। फिर से ट्राई करते हैं। क्या मर्क्यूरी नीचे क्यों जा रही है? क्लिनिकल थर्मामीटर में रीडिंग स्टे करता था, राइट? अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर को देखें, हमें थर्मामीटर में एक किंक या बेंड दिखता है। ये मर्क्यूरी को कुछ टाइम के लिए सेम लेवल पर रहने में हेल्प करता है। ये उसे जल्दी नीचे आने नहीं देता। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई किंक नहीं होता है। इसीलिए मर्क्यूरी लेवल नीचे चला गया जब थर्मामीटर बॉडी के कॉन्टैक्ट से हटा। नाइस, हमने कुछ नया सीखा। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को टेम्परेचर रीड करने के लिए ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रहना होगा। जब ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट खत्म होता है, मर्क्यूरी का लेवल नीचे चला जाता है और हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते वक्त भी हमें क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही प्रिकॉशंस लेना होगा। उसके अलावा हमें थर्मामीटर को अपराइट भी रखना है। थर्मामीटर को हर साइड से ऑब्जेक्ट से कवर्ड होना चाहिए। बल्ब कंटेनर की सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। जस्ट टू रिमाइंड यू, मर्क्यूरी एक पॉइजनस मेटल है, तो हमें इसे हैंडल करते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। ये एक फन सेशन था और हमें नई चीजें सीखने को मिली। अब जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने दो टाइप के थर्मामीटर्स देखे, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर रेंज 34 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है और लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस है। हम अपना बॉडी टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर से नहीं, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता। फिर हमने कुछ प्रिकॉशंस देखे जो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर हैंडल करते वक्त फॉलो करना चाहिए। ग्रेट, आज हमने कई इंटरेस्टिंग चीजें सीखी। मैं आपको और भी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ मिलूंगी। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग।